हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर फोर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दी मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस हम एक ही क्वेश्चन में मटेरियल के और लेबर वेरिएंसेस के दोनों के पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं तो इसके पहले जो हमने तीन लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने सिर्फ मटीरियल वेरियंसेस के ऊपर फोकस किया था तो वी हैव सॉल्व दिंगल मटीरियल टाइप वी हैव सॉल्व टू मटीरियल टाइप Now, in this video, we are going to solve the question which will be including the material variances as well as the labor variances. So let us first understand the question first, then we can move towards solving the question. Calculate material and labor variances from the following information. First 5 units of the standard of product A, the standard data is 40 kg. So we have units ka information. यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है मटेरियल लगेगा फोर्टी के जी एट द रेट रूपीज ट्वेंटी फाइव पर के जी लेबर हंड्रेड आवर्स एट द रेट टू पर आर तो लेबर का भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है मतलब हमें लेबर वेरिएंसेस को भी सॉल्व करना है एक्चुअल प्रोडक्शन इज वन थाउजेंड एक्चुअल डिटेल्स मटीरियल सेवन एट फोर जीरो के जी एट द रेट रुपीज ट्वेंटी फाइव पर के जी लेबर है नाइनटीन एट हंड्रेड आरस एट द रेट टू पॉइंट सिक्सटी पर आर तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वन थाउजेंड यूनिट्स का सबसे पहले हमें फोर पॉइंट्स लगते हैं सॉल्व करने के लिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा था स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर हम मटेरियल की बात करें अगर हम लेबर की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था पी निकाल के आपको आर लिखना है स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट और क्यू निकाल के आपको एच लिखना है दैट इज एक्चुअल आर्स एंड स्टैंडर्ड आरस इतने पॉइंट्स अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट या फाइंड आउट कर लोगे क्वेश्चन में से तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट विल बी वेरी सिंपल ओनली क्लेरिकल काम रहता है फिर आपको प्रेजेंट करना है फॉर्मूलाज में और फिर हमको ईजिली आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड देखो स्टैंडर्ड में यहाँ पे दिया है रुपीज ट्वेंटी फाइव ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल में भी दिया है रुपीज ट्वेंटी फाइव ये हमारा एक्चुअल प्राइस है तो पहले इसको फिलअप कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा रुपीज ट्वेंटी फाइव एक्चुअल प्राइस भी है हमारा रुपीज ट्वेंटी फाइव अभी हम एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा आपको याद रखना है सेवन एट फोर जीरो के जी तो actual details दिया है 7, 8, 4, kg. तो वो लिख लेंगे अभी actual कितना तो यहाँ पे लिखेंगे सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी के जी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए अगर आप इक्वेशन सही तरीके से फ्रेम कर लोगे आपका कैलकुलेशन सही आएगा तो देखो कैसे इसको फ्रेम करना है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैंडर्ड फॉर हाउ मेनी यूनिट्स गिवन फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल कितना के जी लग रहा है मटेरियल लग रहा है फोर्टी के जी अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट या स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट ऐसा दिया होगा तो हम एक यूनिट लेंगे पांच यूनिट के लिए कितना के जी मटीरियल लग रहा है फोर्टी के जी और हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन वन थाउजेंड यूनिट तो सब्सटीट्यूट करते हैं अभी ध्यान से देखो 5 यूनिट्स के लिए 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 के जी मटीरियल लगता है 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 के जी मटीरियल लगता है तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना के जी मटीरियल लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेशन में यहाँ पे हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन ही आएगा पाँच यूनिट बनाने के लिए 40 के जी मटीरियल लगेगा तो 1000 थाउजेंड यूनिट बनाने के लिए कितना के जी मटीरियल लगेगा तो 1000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव योर आंसर कम्स टू 8000 थाउजेंड के जी क्या आपका आ गया 8000 थाउजेंड के जी अभी सिमिलरली हम लेबर का कैलकुलेट कर लेंगे तो लेबर के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था लेबर के लिए मटीरियल में हम लोग प्राइस लिखते हैं तो पी निकाल के आपको आर लिखना है तो आपके मटेरियल के ही सारे फार्मूलाज आप याद रखो उसमें पी निकाल के आर लिख लो तो आपका स्टैंडर्ड लेबर के फार्मूलाज हो जाएंगे और आपको क्यू निकाल के क्वांटिटी निकाल के यहाँ पे एच लाना है एच इज वॉट एच इज आर्स देखो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर चलो अभी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेंगे लेबर हंड्रेड आरस इधर है टू पॉइंट फिफ्टी स्टैंडर्ड प्राइस टू पॉइंट सिक्सटी एक्चुअल प्राइस टू पॉइंट फिफ्टी और टू पॉइंट सिक्सटी है यहाँ पे लिखेंगे रूपीज स्टैंडर्ड है टू पॉइंट फिफ्टी और एक्चुअल है रुपीज टू पॉइंट सिक्सटी पॉइंट फिफ्टी एंड पॉइंट सिक्सटी चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारा लेबर का आर्स देखते हैं लेबर के आर्स की नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड लास्ट लाइन में दिया है नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड आर्स यहाँ पे लिखेंगे नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड आर्स अभी स्टैंडर्ड ढूंढना है सिमिलर वे में सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो फाइव यूनिट्स बनाने के लिए लेबर कितने घंटे काम कर रहा है हंड्रेड आवर्स काम कर रहा है तो हमें अभी इक्वेशन फ्रेम करना है जैसे मटेरियल का किया था सेम वे फाइव यूनिट्स अगर हम बनाएंगे तो लेबर कितने घंटे काम करता है लेबर हंड्रेड आवर्स काम करता है तो अगर हम वन थाउजेंड बनाएंगे तो लेबर कितने घंटे काम करेगा वो हमें कैलकुलेट करना तो इफ यूनिट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग हंड्रेड आर्स के लिए लेबर काम करेगा अगर वन थाउजेंड यूनिट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लेबर कितने के लिए काम करेगा लेबर बीस हजार आर्स के लिए काम करेगा ट्वेंटी थाउजेंड आर ठीक है ये था हमारा स्टैंडर्ड आर्स अभी सिर्फ काम होता है प्रेजेंटेशन का अगर आप प्रेजेंटेशन सही कर लोगे योर आंसर विल बी राइट नाउ लेट ऑज प्रेजेंट मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एक बार देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइस ट्वेंटी फाइव है एक्चुअल क्वांटिटी सेवन एट फोर जीरो है तो सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस ट्वेंटी फाइव माइनस एक्चुअल प्राइस बी ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी था सेवन एट फोर ज़ीरो तो अगर हम जीरो में से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा एम पी वी इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे नील लिखेंगे एम का आंसर क्या आया नील आया फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितना कैलकुलेट किया था एट थाउजेंड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना था सेवन एट फोर जीरो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना था ट्वेंटी फाइव तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एम का आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा दैट विल बी फोर फेवरेबल एफ लिखना है अगर पॉजिटिव आया तो एफ लिखना है अगर नेगेटिव आया तो ए लिखना है द एडवर्स पार्ट ठीक है फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सेवन एट फोर जीरो मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव एट थाउजेंड इंटू ट्वेंटी करोगे तो दैट विल बी लैक्स माइनस सेवन एट फोर जीरो इन ट्वेंटी फाइव करोगे तो, तो दैट विल बी वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो टू लैक्स में से अगर वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड माइनस करोगे यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा फोर थाउजेंड फेवरेबल एम सी वी इक्वल टू फोर थाउजेंड फेवरेबल कैसे वेरीफाई करते थे एम सी वी इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी एम so, कितना आया फोर थाउजेंड फेवरेबल इक्वल टू एमयू कितना एम कितना था नील प्लस फोर थाउजेंड फेवरेबल टैली हो गया फोर थाउजेंड इक्वल टू फोर थाउजेंड दैट वॉज फॉर मटीरियल वेरियंस नाउ वी विल कैलकुलेटिंग फॉर लेबर वेरियंस सिमिलर पार्ट है लेबर का भी तो so, चलो फिर लेबर का एक बार देख लेते हमने कैलकुलेट किया था 2.50 2.60 19800 और 20000 देखिए इसको अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट तो स्टैंडर्ड रेट कितना था स्टैंडर्ड रेट वाज 2.50 माइनस एक्चुअल रेट वाज 2.60 मल्टीप्लाईड बाय एक्चुअल आवर्स कितने दिए थे हमको 90800 तो 2.50 2.60 2.60 19800 तो इसका आंसर आपको आएगा एल आर वी इक्वल टू वन नाइन एट जीरो नेगेटिव आएगा इसीलिए ए लिखना है तो जरा देख लेते एक बार स्टैंडर्ड आर्स कितने कैलकुलेट किए थे हमने स्टैंडर्ड आर्स वॉज ट्वेंटी थाउजेंड एक्चुअल आर्स वॉज नाइनटीन एट हंड्रेड तो अभी सब्सटीट्यूट करेंगे स्टैंडर्ड आर्स तो हमने कैलकुलेट किया दैट वाज ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एक्चुअल आर्स वाज थाउजेंड एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था स्टैंडर्ड रेट वाज टू पॉइंट फिफ्टी इसका आंसर आपको आ जाएगा एल आर एल ई वी इक्वल टू लेबर एफिशंस डेटीडल तो दिस बी फाइव हंड्रेड फेवरेबल सिमिलरली हमको सॉल्व करना है लेबर कॉस्ट वेरियंस फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन दोनों का स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट लेट अस मल्टीप्लाई नाउ स्टैंडर्ड आर्स कितने थे अरे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा टू पॉइंट फिफ्टी माइनस एक्चुअल आर्स कितने थे मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट कितना था टू पॉइंट सिक्सटी आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी थाउज माइनस नाइनटीन एट हंड्रेड इंटू टू पॉइंट सिक्स करोगे तो दैट तो विल बी फाइव वन फोर जीरो तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो एल सी वी का आंसर आ जाएगा एल सी वी इक्वल टू वन फोर एट जीरो भी कर सकते हैं एल सी वी इक्वल टू वेरिफिकेशन एल आर वी प्लस एल ई वी ठीक है एल सी वी कितना आया वन फोर एट जीरो एडवर्स एल आरवी कितना आया था एल आरवी था वन नाइन एट जीरो एडवर्स प्लस एलईवी कितना आया था एलईवी फाइव हंड्रेड एलईवी कितना आया था एलईवी फाइव हंड्रेड फेवरेबल था फेवरेबल तो वन नाइन एट जीरो में से अगर आप फाइव हंड्रेड माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वन फोर एट जीरो एडवर्स और यहाँ पे भी आ जाएगा वन फोर एट जीरो एडवर्स तो दैट इज पॉइंट ये टैली हो जाएगा या मैंने गलती से एडवर्स लिखा था तो दैट इज फेवरेबल so that we have to remember while solving so LCV, LEV and LRV similar to the material variances only the most important calculation of standard costing is स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज क्वांटिटी को कैलकुलेट करें मटीरियल वेरियंसेस में और लेबर वेरियंसेस में स्टैंडर्ड आरस को कैलकुलेट करें अगर आप उन दोनों को सही तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर सिर्फ आपको फॉर्मुला में सब्सटीट्यूट करके आंसर ढूंढना है तो दैट्स फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम मटीरियल मिक्स वेरिएंस मटीरियल ईल्ड वेरिएंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर